पाकिस्तानी ऐसे तो हमेशा कश्मीर 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 करते रहते हैं, हमसे कश्मीर मांगते रहते हैं, और कश्मीर लेने के लिए बहुत सारी आतंकवादी हरकतें भी करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां भी करते हैं, आतंकवादी फंडिंग भी करते हैं। और पाकिस्तान ने 75 साल के अंदर एडी से चोटी का जोर लगा लिया कश्मीर लेने के लिए, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ अपने नापाक इरादों में। अबे साले, लेकिन मैं आज इन पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो तुम्हारे पास में पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां के प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले रोए, कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम, आप मुझे ये बताओ कि साल के 3,000 रुपए ये दे रहे, इस पे किसी की तवज्जो नहीं जाती, ये जो बैठे हुए यहाँ पे, ये अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे, ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई। वो इसलिए कि उनको जो बेसिक नीड है वो भी नहीं मिल रही है पाकिस्तान से, और दुनिया के सामने आके उनको रोना पड़ा। जब तुमसे अपना पीओके ही नहीं संभल रहा है, तब तुम हमारे कश्मीर का क्या करोगे लेके भाई, भूखे नंगो। इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार रिवा इमरान गई पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए, जब हमसे हमारा पीओके ही नहीं संभल रहा है, तब हम इंडिया का कश्मीर लेके करेंगे क्या। और इस पे पाकिस्तानी आवाम ने दिए अपने जहलाना जवाब, जो कहेंगे आपका और हमारा मनोरंजन। तो चलते पाकिस्तान। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, उनके जो सरदार हैं तनवीर सरदार, उन्होंने मतलब अपने जो कश्मीर का बजट पेश करते हुए असम्बली में रो पड़े और कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है हमारे हकूक पूरे नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले? देखिए, इसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक है और मकबूज़ा कश्मीर का ताल्लुक है, मकबूज़ा कश्मीर आप देख लें और आज़ाद कश्मीर आप देख लें, और फिर उस आज़ाद कश्मीर के साथ पाकिस्तान देख लें, तो पाकिस्तान के साथ क्योंकि ये कश्मीर अटैच है तो रिफ़्लेक्ट करती है पाकिस्तान की जितनी इकनॉमिक्स है, जो कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल हालात हैं, तो इसी वजह से आज़ाद कश्मीर में भी बजट जो है वो उसी तरह ही आएगा जिस तरह पाकिस्तान का बजट आया है। अगर आप पाकिस्तान का बजट देख लें तो वो कौन सा कोई बड़ा कोई अच्छा आया है जिसके अंदर फ्यूल पे इतने ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में हैं, फिर उसके अलावा आपकी हर महंगाई इस टाइम अपने इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत है, 25% महंगाई ऊपर जा रही है, और इन भूखे नंगों को चाहिए कश्मीर। तो आप तो फिर इंडिया जो है वो जो मतलब इंडिया के पास जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वो ज़्यादा अच्छे से लेकर चल रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात से डिसएग्री इसलिए करूँगा कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक इकोनॉमिक चीज़ है और एक पॉलिटिकल चीज़ है। उनके पास अगर इंडिया इकोनॉमिक्स उनकी अच्छी कर देता है, उनके हालात अच्छे कर देता है, लेकिन आज़ादी नहीं है उनके पास। ना आज़ादी ना हो तो बिज़नेस तो जा ही ना फॉरेन का वहाँ पर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास जो कश्मीर है ये इंडिपेंडेंट है, जिसका तनवीर साहब आपने जो प्राइम मिनिस्टर है, एक वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसका एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी एक अपनी पॉलिसी है, एक अपनी वहाँ आज़ाद है। अब जाके देखें, कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है लास्ट टाइम, अभी भी हो रही है, तो यहाँ उनके पास आज़ादी है। और कश्मीर प्रीमियर लीग कराने के बाद में जो हाल हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का, वो भी तो बता दो भाई। नहीं, बीसीसीआई ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखी थी तमाम दुनिया की क्रिकेट बोर्ड को, जो भी कश्मीर प्रीमियर लीग खेलेगा उनको इंडिया के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, किसी भी टीम की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी आपकी कश्मीर प्रीमियर लीग में नहीं गया। वो कब हुआ कब नहीं हुआ किसी को पता नहीं चला, हिंदुस्तानी तो छोड़ो पाकिस्तानियों को पता नहीं चला। yes, yes, yes! तो इकोनॉमिक्स रिफ्लेक्ट करेगा। कश्मीर के जो एक मुस्लिम लड़का है उसने मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, इमरान नाम है, और उसने पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा वो लेवल पर खेला है इंडिया के साथ, मतलब इंडिया के वो जो मैचेस हुए हैं उसमें उसने पार्टिसिपेट करके बड़ा अच्छा जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे इंडिया का नाम रोशन। इंडिया के अंदर प्रीमियर लीग नहीं हुई। मैं कुछ नहीं बोल रहा इसको भैया, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैचेस तो हुए हैं पे, कोई मैचेस नहीं होते इंडिया के इंटरनेशनल, लास्ट पता नहीं कितने कोई मैचेस हुए हैं, साल हो गए हैं। मकबूज़ा कोई कर लें सर, आप लिखे इमरान में, आपको आपको प्लेयर का पता चल जाएगा। आपको भी मेरी बात सुना जी जी सर, नहीं आप गूगल करें, बाद में व्यूअर्स भी गूगल कर लेंगे, आप भी गूगल कर लीजिए। आपको गूगल करके दिखा क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आपके हमारी जो कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है, इसी तरह इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे जो वैली है, अगर हम वैली को लेते हैं जिसमें श्रीनगर आता है और इस साइड पे मुजफ्फराबाद आता है, और फिर ऊपर आपके पास जो कपवारा, अनंतनाग, इस्लामाबाद और
अजोड़ी और जितने सेक्टर्स हैं वहाँ पे तो उनकी फौज इस टाइम बैठी हुई है, वहाँ के तो हालात ही इतने खराब हैं, वहाँ पे हालात इतने खराब होते तो G20 की जो मीटिंग होने जा रही है इस बार जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में होने जा रही है तो वो भी उधर कंडक्ट ना करवाते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अभी इसकी बोलती बंद होने वाली, आपके बात छुपाने हैं ना, वो एग्री करता हूँ, वो इसीलिए ही लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग मीटिंग करवाने जा रहे हैं और यहाँ हालात ठीक हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी में ये है, आज आप भी कश्मीर की जो लोकल वहाँ पे प्रेस जो उनका प्रेस रिलीज करते हैं जो कश्मीर मीडिया है, आप जाके देखें कितने एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल। छोड़े, ये इमरान मलिक, ठीक है, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, इमरान की नेशनल टीम में आया है, इनकी नेशनल टीम, लेकिन सर इनकी मुस्लिम है ना, सुने मेरी बात, सुने कहा कि वहाँ पे तो राइट ही नहीं, अगर राइट ना होते तो फिर ये पार्टिसिपेट ही ना कर पा। आप मुझे यहाँ पे गूगल पे सर्च करके बताएं कश्मीर के किस वो खेलता है, जैसे लाहौर कलंदर है या हमारा स्टार्ट तो किया है ना, स्टार्ट तो किया है, हम ये बताएं जो वहाँ के सरदार है वो रो पड़े हैं असेंबली में कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको राइट नहीं दे रही, उससे तो बहुत बेहतर है कि वहाँ पर मुस्लिम प्लेयर को जम्मू एंड कश्मीर में जो हम कहते हैं कि राइट नहीं मिल रहे, अगर राइट ना मिल रहे होते तो इस तरह के प्लेयर्स तो वो जो प्लेयर है, देखिए मेरी एक बात सुने, जी जी जी, कोई आम प्लेयर नहीं है, हजारों प्लेयर निगलेक्ट होते हैं, हजारों प्लेयर क्यों निगलेक्ट होते हैं, ये एक प्लेयर है जिसकी स्पीड जो है 140 प्लस है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसका नाम उमरान मलिक है और इस ये अब इनकी जो सुपर लीग जो इनकी होती है IPL, ये वहाँ पे आया है, मतलब IPL को इन्होंने ऐसे ही टटपुंजे समझ लिया भाई, IPL में खेलने के लिए जूते गिर जाती है लोगों की। जो भारत की पॉलिसी है कि वो IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में ना होना IPL का नुकसान है। क्या 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 बोला? IPL का नुकसान है, IPL का नुकसान है। आर यू कॉमेडी? IPL का एक बहुत इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड, बहुत लोग IPL देखते हैं। मैं इसलिए आया कि इसकी स्पीड है, आया कहाँ से है? कश्मीर से, कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कश्मीर में क्योंकि इंडिपेंडेंट कोई क्रिकेट लीग नहीं होती जिस तरह हमारे आजाद कश्मीर में लीग होती है। वो मुस्लिम है ना, आपने कहा कि एक मेरी बात सुने, सिर्फ एक मेरी बात सुने, आपने कहा कि मुसलमानों को राइट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, इमरान मलिक है, इमरान मलिक इसके लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपने कहा IPL आपको ये तो इस बात से तो एग्री करेंगे ना कि वर्ल्ड वाइड बहुत इन्फ्लुएंस रख रहा है IPL, इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए इस बात से भी एग्री हट गए, देखिए मैं नहीं करेगा भाई, ये नहीं करेगा, ये पक्का पाकिस्तानी है, ये नहीं करने वाला भाई, बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं आपसे, हमारा टॉपिक ये है कश्मीर से रिलेटेड, हमारा टॉपिक इंडिया से रिलेटेड नहीं है, IPL का एक पूरे इंडिया में है, हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान कश्मीर और इंडियन कश्मीर। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान, मैंने आपकी बात से ही आपको एग्जांपल दी है कि मुसलमानों को आपने कहा राइट्स नहीं है, वो इकोनॉमिक वाइज तो बहुत स्ट्रांग है, डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है, लेकिन वो उनको राइट्स नहीं है, आज़ादी नहीं है, अगर आज़ादी नहीं है तो एक मुस्लिम प्लेयर को क्यों आगे लेकर आते, प्रमोट क्यों करते? IPL लीग जो IPL जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड पे बहुत इन्फ्लुएंस रख रहा है, उसका बजट जो है टाटा जो है उनको स्पॉन्सर करता है, वहाँ की चाइना की कंपनीज उनको स्पॉन्सर करती हैं, अगर ये वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस ना रखता तो चाइना जैसी कंपनीज भी उनको ना वो स्पॉन्सर करती। आप एक पर्सन उमरान मलिक को लेके इतनी एक्साइटेड हो रही हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुने। जी जी जी, लास्ट ईयर जब इंडिया पाकिस्तान से T20 का मैच हारा है तो मोहम्मद शमी एक प्लेयर था, इवन उस लड़के के साथ जो इंडियंस ने किया है, आप सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, आप गूगल करें, देखें, ट्विटर देखें, खोलें, उसके साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है बताएं ना सर, आप बताएं। नहीं सर, आप बताएं ना, आपके आप इंडिया हारा है और मोहम्मद शमी को मार पड़ी है रिजवान से और बाबर अली से, तो वहाँ की पूरी क्राउड उसको गद्दार कर दी है कि इसको बाहर निकालो, ये पाकिस्तानी है, चेक करें आप अपना ट्विटर। पाकिस्तानी कहने का मतलब सर, मेरी बात सुने, के अंदर ये चीजें आप डिनाई नहीं कर सकती कि वहाँ पे एक रेसिज्म बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था ये भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर है और जो शमी के खिलाफ ट्वीट हुए थे और जो भी पोस्टें आई थी वो सारी की सारी पाकिस्तान ने कराई थी और इसका खुलासा हो गया था। आज जो हमने आपके सामने जो सबूत पेश किए हैं वो ये बताते हैं कि मोहम्मद शमी की जो ट्रोलिंग हुई थी वो फर्जी ट्रोलिंग हुई थी, भारत में मोहम्मद शमी की कोई ट्रोलिंग नहीं हुई और वो मुसलमान है ये सोचकर तो कभी भी किसी ने ट्रोलिंग नहीं की। और मोहम्मद शमी जिनकी ये आप बात कर रहे हो भाई साहब, वो आज भी इंडिया की टीम में खेल रहे हैं और वो इंग्लैंड भी गए हुए हैं।
पाकिस्तान के मानने नहीं मानने से भाई लोग आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो आप भी इन पाकिस्तानी को घंटा कमेंट बॉक्स के अंदर दे ही दीजिए, ठीक है। और आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, ब्लॉग चैनल भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक को फॉलो कर लो एक को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।